ये आठ सर्वसंख्या हम लोग जो है प्रूव कर चुके हैं। इसके आगे हम लोगों को करना है, पहला क्या है कि साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। दूसरा क्या है हमारा, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस वाई हमारा क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स माइनस वाई हमारा क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई इसी में माइनस। तो इसको याद रखने का तरीका हम लोग क्या याद रखते हैं कि कॉस में जो होता है यहाँ पे प्लस होता है तो फार्मूले में जो होता है माइनस, और दोनों कास कास वाले एंगल और दोनों साइन साइन वाले। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ इस फार्मूले में केवल क्या चेंज आ गया, प्लस हो गया। दोनों कास कास के एंगल दोनों साइन साइन के। साइन एक्स प्लस वाई में क्या होता है, एक साइन का अगला कास का, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, और एक कास का एक साइन का, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। अब हम लोग आठ हो चुका है, अब हम लोग नाइन्थ नंबर देखते हैं अपना जो सर्वसंख्या हमको नाइन्थ। तो नाइन्थ में हम लोग देखेंगे कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स ठीक है इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये हमको देखना है। साइन पाई बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमको लाना है। और हमारा है कॉस पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और साइन साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, और कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये हमको दिखाना है। तो ये कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स ये हमारा कहाँ से निकलेगा, कॉस एक्स प्लस वाई, जो सर्वसंख्या नंबर हमारा क्या है, तीन है। तो हमारा जो कॉस एक्स प्लस वाई है ये क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये सर्वसंख्या नंबर हमारा क्या है, तीन। अब हमको क्या चाहिए, कास पाई बाई टू प्लस एक्स, तब तो यानी हम लोग वाई के स्थान पे यहाँ पे क्या रख दें, पाई बाई टू, तो ये हमारा कास पाई बाई टू प्लस एक्स हो जाएगा। तो वाई के स्थान पे हम लोग इसमें क्या रख देंगे, वाई के स्थान पर, वाई के स्थान पर सर्वसंख्या तीन में पाई बाई टू रखने पे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और एक्स में तो हम लोग बदल रहे हैं, वाई के स्थान पे पाई बाई टू रख रहे हैं, तो कॉस एक्स कॉस पाई बाई टू माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई टू, इसको हम लोग क्या लिख दें, कॉस एक्स प्लस पाई बाई टू लिखें या पाई बाई टू प्लस एक्स लिखें कोई फर्क नहीं। कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू हमारा क्या होता है, जीरो, और साइन पाई बाई टू हमारा क्या होता है, वन। यहाँ पे हम लोगों ने किस पॉइंट का यूज किया कि कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो और साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है वन। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो माइनस साइन एक्स, तो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, यानी जो हमको प्रूव करना था हम लोगों का कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर क्या हमारा आ गया, माइनस साइन एक्स, ये हम लोगों ने दिखा दिया। ये हमारा हो गया कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। अब साइन पाई बाई टू प्लस एक्स लाने के लिए हम लोग साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे। हम लोग जो है किसको प्रूव करने जा रहे हैं कि साइन साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, इसको हम लोग लाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन
एक्स प्लस वाई का फार्मूला। तो साइन एक्स प्लस वाई में, साइन में क्या होता है, एक एंगल साइन का और अगला क्या होगा कॉस का, और वहां पे बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, फिर अगला कॉस का और फिर अगला साइन का। साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, वाई के स्थान पे, वाई के स्थान पर हम लोग क्या रख दें, पाई बाई टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई टू इक्वल टू साइन एक्स कॉस पाई बाई टू प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई टू। और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0, और साइन पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1। तो ये हमारा साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस पाई वाई की वैल्यू 0 और कॉस एक्स इंटू साइन पाई वाई की वैल्यू 1। तो ये साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, ये हमारा अगला पार्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, पाई प्लस एक्स जो है, पाई प्लस एक्स वाला हमको करना है। या पाई माइनस एक्स, चलिए हम लोग अगला क्या करते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स, ये कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, इसको हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला कॉस एक्स माइनस वाई का है, ये हमारा क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग एक्स के स्थान पे पाई और वाई के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर दें, एक्स। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, कॉस एक्स के स्थान पे पाई, वाई के स्थान पे एक्स, और राइट हैंड साइड में कॉस एक्स के स्थान पे पाई और वाई के स्थान पे एक्स साइन पाई, और ये हमारा वाई के स्थान पे एक्स। अच्छा, अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये हम लोग जो एकांक त्रिज्या का जो वृत्त खींचे थे, पाई हमारा कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ए बी, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, कॉस एक्स की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट साइन एक्स की वैल्यू। तो पाई हमारा कहाँ आता है, यहाँ, और इसकी वैल्यू क्या है, -1, 0 इसके कोऑर्डिनेट। तो यानी कॉस पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये -1 इंटू कॉस एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, ये भी हम लोगों ने दिखा लिया। अच्छा, इसको और भी तरीके से हम लोग कर सकते थे, जैसे कैसे, देखिए हमको लाना क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। तो हम लोग कॉस पाई माइनस एक्स लेके चलते हैं, तो इसको पाई को हम लोग क्या लिख देते हैं, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स, ये बराबर हो गया हमारा कॉस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स। और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस पाई बाई टू जो है हम लोगों ने नहीं निकाला, अभी निकाला था क्या, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स हमारा क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, इसका यूज कर लेंगे हम लोग, कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। तो एक्स की जगह पे ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन,
पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हमारा क्या होता है, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हमारा होता है कॉस एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हमारा कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हमको कॉस पाई प्लस एक्स प्रूव करना है, कॉस पाई प्लस, अगला हमारा प्रूविंग क्या है, कॉस पाई प्लस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। तो हम लोगों ने जो कॉस पाई माइनस एक्स रखा है, इसमें एक्स के स्थान पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स, तो ये हम लोगों को पता है कि कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, इसमें हम लोग क्या कर देंगे एक्स के स्थान पे माइनस एक्स पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस पाई और एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस कॉस माइनस एक्स, तो कॉस हमारा क्या कर लेगा माइनस खा लेता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये फार्मूला भी हम लोगों का प्रूव हो गया। ठीक है, अब अगला हम लोगों का है साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, अगला हम लोगों का जो प्रूव करना है कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, तो ये हम लोग लेके चलते हैं साइन पाई माइनस एक्स, और पाई को हम लोग क्या लिख देते हैं साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू और माइनस एक्स पहले से है, ये दिस इक्वल टू हो गया हमारा साइन पाई बाई टू प्लस ये पाई बाई टू माइनस एक्स को हमने एक एंगल मान लिया, और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स कॉस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस, और एक्स की जगह पे क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स, और कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है साइन एक्स, तो ये हमारा क्या हो गया साइन एक्स, यानी हमने प्रूव कर लिया कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स। अब हमको अगला दिखाना है कि साइन पाई प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे एक्स के स्थान पे क्या पुट कर देंगे माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस और एक्स के स्थान पे माइनस एक्स, तो ये बराबर हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और ये साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस से बाहर कर देता है माइनस साइन एक्स, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया कि साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो जो है बेसिक तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो है कुछ फार्मूले जो है प्रूव की, उसको फिर हमसे हम लोग फिर से लिख लेते हैं। क्या हम लोगों ने देखा कि कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, और कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और सिमिलरली हमारा साइन के लिए यही फार्मूला साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स, साइन पाई प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। अच्छा, हम लोग टेन के लिए भी निकाल सकते हैं। टेन के लिए देखिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स अपान कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स हमारा क्या हो जाएगा टेन पाई बाई टू प्लस एक्स, यानी इसको और इसको जब डिवाइड कर देंगे, ये देखिए साइन पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ये वन ये टू डिवाइड कर देते हैं हम लोग वन बाई
टू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा साइन पाई बाय टू प्लस एक्स अपॉन कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे ये एंगल है, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या हो जाता है टेन एक्स। तो टेन पाई बाय टू प्लस एक्स इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हमारा क्या होता है कॉट एक्स। तो टेन पाई बाय टू प्लस एक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ये हम लोगों ने टेन के लिए भी निकाल लिया। यहीं पे लिख देते हैं हम लोग कि चलिए अलग टाइम से लिखते हैं टेन टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। अच्छा अब टेन पाई माइनस एक्स हमको निकालना हो तो ये भी हम लोग क्या कर लेते हैं दिस बटा दिस, तो साइन पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई माइनस एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टेन पाई माइनस एक्स, और ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा हमारा। तो टेन पाई माइनस एक्स को डायरेक्टली लिख दे रहे हैं टेन पाई माइनस एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस टेन एक्स। ठीक है ये जो है दिस ये वन टू इसको जो है ऐसे मान लेते हैं तीन और चार, तीन बटा चार करेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स बटा कॉस पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स तो माइनस टेन एक्स। तो ये हम लोग लिख लेते हैं टेन पाई माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स। अब दिस अपान दिस करेंगे तो टेन पाई प्लस एक्स हो जाएगा हमारा, तो टेन पाई प्लस एक्स हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपान माइनस कॉस एक्स, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा टेन एक्स। तो टेन पाई प्लस एक्स इक्वल टू सीधा सीधा हमारा क्या हो गया टेन एक्स। और एक हम लोगों का माइनस वाला देख लेते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हमारा क्या होता है कॉस एक्स। साइन चलिए यहां पे कर लेते हैं कि साइन साइन पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये हम लोग कर चुके हैं। तो डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट पार्ट हमारा क्या हो जाएगा टेन पाई बाय टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉस अपॉन साइन हमारा क्या हो जाएगा कॉट एक्स, यानी टेन पाई बाई टू माइनस एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं टेन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू हमारा क्या होगा कॉट एक्स। तो ये फार्मूला हम लोगों ने, चलिए यहाँ पे माइनस वाला भी लिख लेते हैं कॉस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ माइनस वाला लिख लेते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये हम लोगों के चार चार फार्मूलों के सेट तैयार हो गए। तो इसको हम लोग थोड़ा प्रूव करके देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि याद करने में आसानी होगी और थोड़ा फीलिंग आएगा कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो ये फार्मूले हम लोग यूज करेंगे अभी आप आगे, लेकिन ये फार्मूला हम लोग जो है आठ फार्मूले हम लोग पहले देखे थे और कुछ फार्मूले यहाँ पे हम लोगों ने देखे, इसके बाद भी कुछ फार्मूले हम लोग देखेंगे।